मेरा चैनल कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्प्रीन फेस मास्क का ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आज का मेरा जो ये वीडियो है ये इंस्पायर्ड बाय नादिया हुसैन है, जो कि शायद आप लोगों ने उनकी वीडियो जो है वो देखी होगी यूट्यूब पर ही, ठीक है। और आज के इस ट्यूटोरियल में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो डिस्प्रीन ही है। और आप लोगों को पता है कि जो डिस्प्रीन है उसको सर दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, सर दर्द के लिए जो है ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो आज हम इसी मेडिसिन को एज अ फेस पैक जो है वो यूज़ करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ होंगे सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डिस्प्रीन के बेनिफिट्स क्या हैं हमारे स्किन के लिए, ठीक है। एस्प्रिन टैबलेट जो है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो कहा जाता है। इसे सैलिसिलिक एसिड से ही जो है वो लिया गया है। इसमें BHA, इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन को टाइटन करने में, हमारे स्किन को लाइटन करने में, इसके अलावा एक्ने को कंट्रोल करने में, इसके अलावा रिंकल्स को, इसके अलावा एजिंग के जो साइंस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा कुछ लोगों को फेस पर रेडनेस का और इचिनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ये वही इंग्रेडिएंट है, ये वही टैबलेट है जिसे कि आप लोग सर दर्द के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। तो आज हम इसे जो है वो एज अ फेस पैक यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रूखी है, बेरौनक है, ठीक है, आपको फ्रेश लुक नहीं लगता अपने स्किन का, इसके अलावा अगर आपकी स्किन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वीक में एक बार इस मास्क को जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें अपनी स्किन पर। और देखते ही देखते आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन कितनी एनर्जेटिक हो गई है, आपकी प्रॉब्लम जो है स्किन की वो किस हद तक सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गई, इसके अलावा कितनी फ्रेश हो गई है आपकी स्किन। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अभी टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिस्प्रिन टैबलेट्स, और इसके अलावा हमें चाहिए रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला ले लें या फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए एक शीट मास्क, ये केयर इम्यूनिटी का शीट मास्क है, और इस पर मैंने इनकी जितनी भी रेंज थी इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। 150 का एक शीट मास्क जो है ये मिल जाता है। तो ये जो है ये दिखता है कुछ इस तरह का, इसका नाम है गोल्ड अबव ब्यूटी मास्क, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे। जितने व्यूअर्स, अभी सिंपली हमने तकरीबन 4 से 5 टैबलेट्स जो हैं वो पैकिंग से रिमूव कर लेनी है लाइक दिस, ठीक है। और उनको हमने जो है वो अच्छे से पीस लेना है। मैं 5 टैबलेट जो है वो लेने वाली हूँ, तो इसको हम पैकिंग से रिमूव कर लेते हैं। तो मैंने जो है ये 5 टैबलेट्स निकाल ली हैं पैकिंग में से। अब इसको मैं जो है वो अच्छे से पीसने वाली हूँ। पीसने के लिए जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ जो किचन में सिंपली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डाल के मैं इसको जो है वो अच्छे से पीस लेती हूँ, पीसने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, अभी मैंने इसको जो है वो बहुत अच्छे से पीस लिया है, और पीसने के बाद मैंने उसको अपने हथेली पर निकाल लिया है लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर मुझे ऐड करना है रोज़ वाटर, ठीक है। तो रोज़ वाटर जो है वो मैं तकरीबन उतना ही ऐड करूँगी जिससे कि ये जो है ये एक पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं इसको अपने फिंगर के साथ मिक्स करूँगी, ठीक है। आप इसको बाउल के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसको हैंड पर मिक्स किया है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पेस्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है लाइक दिस। अगर आपके फेस पर जो है वो एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप इसे अपने डिफेक्टेड पार्ट पर जो है वो लगाएंगे, तो ये जो है काफी हद तक आपकी एक्ने को जो है वो कंट्रोल करेगा, एक्ने से फाइट करेगा, ठीक है। अभी मैंने पूरे फेस पर जो है वो डिस्प्रीन वाला जो पेस्ट था वो पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी के ऊपर शीट मास्क लगाना है, ठीक है। तो मैं शीट मास्क को पैकिंग से रिमूव कर दूंगी। शीट मास्क जो है वो इजीली आपको मार्केट से भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मार्केट जा सकते हैं तो आप वहाँ से जाकर ले आएँ, अगर नहीं पॉसिबल तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका व्हाट्सअप नंबर, इसके अलावा इनकी वेबसाइट का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये दिखता है कुछ इस तरह का। फेस पर जो है वो गोल्ड शीट मास्क जो है वो लगा लिया है। आप सिंपल वाला शीट मास्क भी अपने फेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप सिंपल शीट मास्क भी यूज करते हैं अपने फेशियल के दौरान या सिंपली आप शीट मास्क को भी यूज करते हैं तब भी आपके फेस पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी लाइक वीकली रूटीन में जरूर शामिल करें, इस ट्रीटमेंट को आप जरूर जो है वो अपने फेस को क्लियर करने के लिए यूज किया करें। 20 मिनट तक इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद हमने इसे अपने फेस से रिमूव कर देना है, ठीक है। That's it, ठीक है। इस ट्रीटमेंट को आपने वीक में एक बार यूज करना है। अगर आपके स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्नी है या रिंकल्स का इशू है तो आपने इसको वीक में एक बार जरूर यूज करना है। इससे आपकी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो ये थोड़ा सा आपको डिस्प्रीन का मिक्सचर लगा हुआ नजर आ रहा है इसको आपने क्लीन कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी सीरम या लाइक टोनर जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करें और सो जाएं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो जो है वो खत्म होता है। होप सो कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपकी स्किन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है तो आप इस रेमेडी को जो है वो जरूर ट्राई करें, बल्कि वीकली इस रेमेडी को जो है वो यूज किया करें, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कमेंट किया करें। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि मैं आप लोगों के लिए गिव अवे जो है वो प्लान कर रही हूँ, जो कि इसी वीक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम पर, जिसमें हमारे साथ जो है वो 5-6 ब्रांड्स ने जो है वो कोऑपरेशन किया है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स होने वाले हैं, जिसमें कि ड्रेस होगा, जिसमें कि लाइक आप लोगों के लिए कॉस्मेटिक्स होंगे, इसके अलावा पैसे होंगे, मनी होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से ही पता चलेगा। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।